हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और आप लोगों का जेन्युइन फीडबैक चाहिए ताकि मैं और बेहतर कर सकूँ अपने काम को। तो मेरा पहला शहर है मार्सेई। जी हाँ, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, मार्सेई। ये फ्रांस का तीसरा बड़ा शहर है और सबसे बड़ा पोर्ट सिटी भी है। मार्सेई एयरपोर्ट के बाहर बस टिकट काउंटर है जहाँ से हर 20 मिनट में आपको शटल बस मिल जाएगी 8.30 यूरो में, जो आपको रफली 35 to 40 मिनट्स में सेंट चार्ल्स रेलवे स्टेशन इन मार्सेई में जाके छोड़ेगी। और इसी स्टेशन से आपको रिटर्न एयरपोर्ट शटल भी मिल जाएगी। हम लोग करीब 5.5 घंटे में यहाँ के सारे मेजर अट्रैक्शंस कवर किए थे। जब हम कॉर्सिका से बार्सिलोना वापस आ रहे थे तब करीब 8 घंटे की लॉन्ग लेओवर थी और हमने बोरिंग लेओवर को इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस में बदल डाले। मार्सेई सिटी के 5 मेजर अट्रैक्शंस कवर किए थे हमने। नंबर 1, ओल्ड हार्बर, जो कि बहुत ही खूबसूरत पोर्ट है और ये पूरा दिन विजिटर्स के लिए ओपन रहता है। हमने पूरा सिटी बाय वॉक कवर किया था। यहाँ पे आप आराम से स्ट्रोल कर सकते हैं अपने पार्टनर या फैमिली के साथ, एंड द प्लेस इज रियली किड्स फ्रेंडली। अगर आप फेरी राइड एंजॉय करना चाहते हैं तो टाउन हॉल से लेना पड़ेगा। नंबर 2, बेसिलिक सेंट विक्टर। ये एक पुरानी एबे है। यहाँ से आप सिटी का बेहतरीन व्यू कैप्चर कर सकते हैं। पूरा पोर्ट एरिया यहाँ से बहुत अच्छे से दिखाई देता है। नंबर 3, कैथीड्रल डी ले मेजर, जो एक डोम शेप्ड कैथीड्रल है जो बाइजेंटाइन सभ्यता की याद दिलाती है। इसके अंदर ज़रूर जाना, कोई टिकट नहीं है बट अंदर का काम बहुत ही उमदा है। नंबर 4, म्यूजे डे सिविलाइजेशन डी यूरोप डी ला मेडिटेरेनिया। इन शॉर्ट, इट्स अ म्यूजियम। ये हार्बर के ऊपर ही है और बहुत सीनिक है। हम लोग ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट स्पेंड किए थे यहाँ। बहुत खूबसूरत प्रोमिनेड है और म्यूजियम डेकोर भी बहुत ही खूबसूरत है। अभी आता है नंबर 5 अट्रैक्शन, जो सिटी में बिल्कुल नहीं है और मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है मार्सेई में। इस अट्रैक्शन का नाम है बेसिलिक नोटरडेम डी ला गार्ड। नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक चर्च है, पर इसको न्यू बाइजेंटाइन चर्च कहते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको ओल्ड पोर्ट से 60 नंबर, जी हाँ नंबर 60 बस लेना है, जो आपको 15 से 20 मिनट में सीधा नोटरडेम के प्रेमाइस में जाके छोड़ेगी। दिस इज़ द ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट वे टू रीच देयर। मिनिमम 1 आवर चाहिए इस बहुत ही बेहतरीन बेसिलिका को देखने के लिए। यहाँ से आप पूरा मार्सेई शहर का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। इवन शैटू डे लॉफ भी विजिबल है यहाँ से। एंट्री बिल्कुल फ्री है। एवरी हाफ एन आवर 60 नंबर बस स्टार्ट होता है यहाँ से आपको वापस ओल्ड हार्बर छोड़ने के लिए। इंडियन रेस्टोरेंट्स की तो कोई कमी नहीं है सिटी में। आई गॉट इंडियन स्वीट शॉप टू। बेस्ट पार्ट इज मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स अराउंड द हार्बर हैज़ आउटसाइड अरेंज सिटिंग अरेंजमेंट, सो यू कैन सन बास्क वाइल एंजॉइंग योर मील। And if you are really lucky, you can enjoy some seasonal show also. यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट्स और स्वीट शॉप मिलेगा इन रीजनेबल प्राइस। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। और एक बहुत ही फेमस जगह है जिसका नाम है कालंकोए नेशनल पार्क, जो सिटी में बिल्कुल नहीं है एंड देर इज़ नो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। सो इफ़ यू हैव 1 एक्स्ट्रा डे, यू कैन गिव इट अ ट्राई। तो ये था मार्सेई अट्रैक्शंस के बारे में सारे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे आने वाले ऐसे ही ट्रैवल इन्फो के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, सायोनारा।